नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस राज्य में ग्रेजुएशन पास लड़कियों को मिलते हैं 50,000 रूपए। बिहार में शिक्षा के स्तर को लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी लेने वाले छात्रों को लेकर सरकार हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हालांकि समय समय पर सरकार की यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से ज्यादा संख्या में छात्राओं को स्कूल तक लाया जा सके। इतना ही नहीं, सरकार की यह कोशिश होती है कि समय समय पर लड़कियों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करते रहें, क्योंकि किसी भी राज्य की साक्षरता दर का अंदाजा वहां की पढ़ी लिखी पीढ़ी को देखकर ही लगाया जा सकता है। इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार तमाम तरह की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी अब तक कई ऐसे सकारात्मक पहल की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या योजना प्रमुख है। सरकार की इन्हीं योजनाओं का फल है कि आज देश की लाखों लड़कियां शिक्षित हो रही हैं। इतना ही नहीं, सरकार की इन योजनाओं का लाभ देश के लाखों अभिभावक भी उठा रहे और अपनी लाडलियों को शिक्षित कर रहे हैं। वहीं अगर बात बिहार की करें तो बिहार में बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं तमाम योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। गौर करने की बात यह है कि इस योजना के तहत बालिकाओं को 10वीं 12वीं और स्नातक पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। खास बात यह रही कि राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि में इजाफा कर दिया गया है। वहीं 12वीं पास करने वाली छात्राओं को तो ये राशि दोगुनी से भी ज्यादा दी जा रही है। छात्राओं को पढ़ाई के तरफ प्रोत्साहित करने के इरादे से ही शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रूपए और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली छात्राओं को 50,000 रूपए की राशि दी जा रही है। हालांकि ध्यान रहे कि यह राशि केवल उन्हीं छात्राओं के लिए है जो अविवाहित है। अगर हम पहले की बात करें तो इंटर पास करने वाली छात्राओं को 10,000 रूपए और स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 25,000 रूपए सहायता राशि के रूप में दी जाती थी, लेकिन अब और ज्यादा छात्राओं को पढ़ाई की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए नीतीश सरकार की तरफ से इंटर के लिए लगभग 3.5 लाख और स्नातक के लिए करीब 85,000 अविवाहित छात्राओं को ज्यादा सहायता राशि देने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्थान योजना का लाभ 1 अप्रैल 2021 से उठा सकती है। इस दौरान जितनी भी इंटर और स्नातक की छात्राएं पास होंगी उन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ज्ञात हो इस राशि को प्राप्त करने के लिए छात्राओं को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर ही सरकार ने हाल ही में इसके लिए ई कल्याण पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट भी जारी कर दी है। हालांकि पंजीकरण के स्टेप्स को बताने से पहले हम आपको बता दें कि आपको पंजीकरण के लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत होगी, जिसके तहत आवेदन के साथ आपको कुछ दस्तावेज अटैच करने जरूरी होते हैं। इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, इंटर या स्नातक की मार्कशीट, मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो ज्यादा बेहतर रहेगा और पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन्ड कॉपी की जरूरत आपको पंजीकरण के दौरान होगी, जिसके तहत अब आसानी से कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए पंजीकरण आप करवा सकती हैं। सबसे पहले ई कल्याण पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जहां होम पेज पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना 2020 के लिए आवेदन करने का आपको विकल्प मिलेगा। आवेदन के लिए दिए गए 3 लिंक, लिंक 1, लिंक 2 या लिंक 3 में से किसी एक पर क्लिक करें। इसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर दें। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना प्राप्तांक और कैप्चा कोड की एंट्री करनी होगी, जिसके बाद आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारियां सही सही भर दें। सारी जानकारी भरने के बाद मांगे गए सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स को अटैच कर दें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप आसानी से प्रोत्साहन राशि के लिए अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।